हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता और आज आप सभी से मैं बात करूंगी टॉन्सिलाइटिस के बारे में। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, प्ले ग्रुप्स किड्स में और प्रे स्कूल किड्स में ज़्यादा मिलती है, मिड टीन एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलती है, 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में ज़्यादा देखने को मिलती है, एडल्ट्स में भी होती है लेकिन बच्चों में समस्या ज़्यादा कॉमन होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके किस तरीके के हमको साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसका क्या क्या प्रिवेंशन हो सकता है, कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं और होम्योपैथी में कौन कौन सी वो मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके अपनी टॉन्सिलाइटिस की समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। जब हमारे टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसमें सूजन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, टॉन्सिल्स हमारे गले में, हमारे थ्रोट में पाए जाने वाले लिम्फ नोड्स होते हैं और ये लिम्फैटिक टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं और टिश्यूज़ के कुछ पैड्स होते हैं जो पीछे बैक ऑफ थ्रोट में पाए जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, ये WBC सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो चूंकि जो हमारा गला है वो डायरेक्ट एक्सपोजर में रहता है पैथोजन्स और जर्म्स के डायरेक्ट एक्सपोजर में रहता है, तो जब भी कोई पैथोजन जैसे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई जर्म्स जब हमारे थ्रोट में पहुंचता है खाने के थ्रू, पानी के थ्रू या फिर हम जब सांस लेते हैं उसके थ्रू जब कोई जर्म्स हमारे गले में पहुंचता है, तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये WBC प्रोड्यूस करने लगते हैं और WBC का वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमको इन्फेक्शन में लड़ने में मदद करता है और वो इन्फेक्शन वहीं पर ही किल हो जाता है, इन्फेक्शन वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है। तो लेकिन जब हमको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है तो उस कंडीशन में हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो खुद ही इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उसी कंडीशन को ही हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं टॉन्सिलाइटिस के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, किस वजह से हमको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस के मेन दो कारण होते हैं, एक तो बैक्टीरियल होता है, दूसरा वायरल होता है। बहुत सारे वायरस होते हैं जैसे कि राइनो वायरस, एडिनो वायरस, एप्स्टीन वार वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, इन सब वायरस की इन्फेक्शन की वजह से भी हमको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो दूसरा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया और स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी सीवियर होता है, उसका जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी सीवियर होते हैं, तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेप्ट थ्रोट भी बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा वर्स होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है तो उसके सिम्टम्स उतने ज़्यादा वर्स नहीं होते हैं, थोड़े माइल्ड टाइप के ही होते हैं। यूजुअली जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, 7 से 10 दिन के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाती है, अपने आप ही रिजॉल्व कर जाती है। दोस्तों, जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है वो कंटेजियस होती है, फैलने वाली बीमारी होती है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलती है, जैसे कि बाय स्नीजिंग, बाय कफिंग और सलाइवा के थ्रू फैलती है और खाना शेयर करने से, ड्रिंकिंग वाटर शेयर करने से, ये हाथ मिलाने से ये फैलती है। तो इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों में ये बीमारी इजीली स्प्रेड होती है और अगर घर में किसी फैमिली मेंबर को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो दूसरे फैमिली मेंबर को भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं टॉन्सिलाइटिस के हमको साइन एंड सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे, टॉन्सिलाइटिस के लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे हमको। तो दोस्तों, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो आपको इन्फ्लेम्ड मिलेंगे, लाल रंग के सूजे हुए टॉन्सिल्स मिलेंगे, टॉन्सिल्स के ऊपर आपको सफ़ेद रंग की, पीले रंग की कोटिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ सोर थ्रोट मिलेगा, गले में पेन आपको मिलेगा, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त आपको काफ़ी पेन होगा, इवन अपनी सलाइवा थूक निगलते समय भी काफ़ी पेन होगा, बोलने में काफ़ी तकलीफ होगी, निगलने में काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी दर्द होगा, पेनफुल स्वॉलोइंग देखने को मिलेगी और गले में होर्सनेस मिलेगी, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, सीवियर केसेस में फीवर भी देखने को मिल सकता है, चिल्स भी देखने को मिल सकता है
और जो आसपास के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, उसमें सूजन देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ फाउल ब्रेथ देखने को मिलेगी, टंग में कोटिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे टॉन्सिलाइटिस में। तो और जो बच्चों में जो सिम्टम्स आते हैं तो उसमें ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगी, क्योंकि टॉन्सिल्स बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हैं। इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, बच्चा खाना खाने को मना करेगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी, बहुत ही ज़्यादा लिथार्जी लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके के सिम्टम्स हमको टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये तो बात रही टॉन्सिलाइटिस के लक्षणों की, तो चलिए बात कर लेते हैं टॉन्सिलाइटिस के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों जो सिम्टम्स होते हैं वो टॉन्सिलाइटिस के टाइप्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं टॉन्सिलाइटिस के, पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक और तीसरा होता है रिकरेंट। तो दोस्तों जो पहला एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी वर्स होते हैं, सडन होते हैं, अचानक से बिल्कुल आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें काफ़ी सीवियर पेन होगा, टॉन्सिल बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होंगे, लाल रंग के होंगे, सूजे हुए होंगे, गले में काफ़ी दर्द होगा, खाना निगलने में, पानी पीने में काफ़ी तकलीफ होगी, इवन सलाइवा को निगलने में काफ़ी तकलीफ होगी। तो ये 7 से 10 दिन में रिकवर कर जाती है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो बार बार आते हैं, साल भर में कम से कम 3 से 4 बार 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 टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती रहेगी। तीसरी कंडीशन होती है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है जब आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बार बार बनी रहे और बहुत लंबे समय से आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बनी रहे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो परमानेंट एनलार्ज हो जाते हैं, ठंड का एक्सपोजर होता है या थोड़े बहुत इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बार बार बनी रहती है, तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जो टॉन्सिल्स होते हैं वो काफ़ी एनलार्ज हो जाते हैं, काफ़ी बिग हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं टॉन्सिलेक्टोमी के लिए, कि बोलते हैं कि आप अपने टॉन्सिल्स की सर्जरी करवा लीजिए। टॉन्सिलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि अगर टॉन्सिलाइटिस को हमने क्योर नहीं किया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में देखने को मिलेगा कि जब टॉन्सिल्स की साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सोते समय ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में काफ़ी परेशानी होगी, टॉन्सिलर सेलुलाइटिस देखने को मिलेगी, टॉन्सिल्स के जो इन्फेक्शन होता है वो आसपास के टिश्यूज़ में फैलने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलर सेलुलाइटिस बोलते हैं। थर्ड कंडीशन देखने को मिल सकती है पेरी टॉन्सिलर एब्सेस, टॉन्सिल्स में घाव देखने को मिल सकते हैं, एब्सेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन आपको मिल सकते हैं। किन किन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है टॉन्सिलाइटिस होने का, अगर आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी पुअर है, आप बार बार प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को लेकर के, तो उस कंडीशन में आपको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। दूसरी कंडीशन होती है कि अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को लेकर के रेजिस्टेंट हो जाती है, और एंटीबॉडीज़ हमारे जो ओरल कैविटी होती है, जो माउथ की जो फ्लोरा होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर जाता है, तो उसकी वजह से भी हमको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात रही टॉन्सिलाइटिस के कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स और उसके रिस्क फैक्टर्स और उसकी टाइप्स। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉन्सिलाइटिस के प्रिवेंशन के बारे में, इसके प्रिकॉशन के बारे में। ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, अचार, दही, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। खाना खाने से पहले आप प्रॉपर हैंड वॉश करें, बच्चों को मोटिवेट करें कि टॉयलेट यूज़ करने के बाद हैंड वॉश करें, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करें, और स्नीजिंग करते समय, कफिंग करते समय अपने फेस को कवर करें, और कोशिश करें कि अगर बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है तो उसको थोड़ा आइसोलेट रहने को बोलें, घर पर ही रहने को बोलें, और अपनी ड्रिंकिंग बॉटल्स को शेयर ना करें, खाने को शेयर ना करें, और बच्चों का टूथब्रश रिप्लेस करें आफ्टर इन्फेक्शन, गार्गलिंग करें नमक का पानी डाल करके, गुनगुने पानी में नमक डाल करके गार्गलिंग करें, दिन में कम से कम 3 से 4 बार करेंगे तो इससे हमको टॉन्सिलाइटिस में जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें काफ़ी रिकवरी आती है। चलिए बात कर लेते हैं टॉन्सिलाइटिस की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना यूजली प्रिस्क्राइब्ड होम्योपैथिक रेमेडी होती है फॉर टॉन्सिलाइटिस। इसका जो इंडिकेशन होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड रहेंगे, सुर्ख लाल रंग के दिखेंगे, काफ़ी सूजे हुए से रहेंगे, काफ़ी पेनफुल रहेंगे, एक फीवर देखने को मिलेगा, फीवर हाई ग्रेड का होगा, फीवर के साथ चिल्स देखने को मिलेगी। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आप बेलाडोना 30 यूज़ कर सकते हैं। बेलाडोना 30 की 2-2 बूंद को आप 15-15 मिनट तक रिपीट करिए, 2 से 3 घंटे में आपको टॉन्सिलाइटिस में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे से आप उसको बेलाडोना की जो डोजेज होती हैं उसको सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 4 बार 15 दिनों तक दीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल। दोस्तों मर्कसॉल वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी होती है फॉर टॉन्सिलाइटिस। इसके जो इंडिकेशन होता है, इसमें जो टॉन्सिल काफ़ी इन्फ्लेम्ड मिलेंगे, काफ़ी पेनफुल रहेंगे, गले में काफ़ी सीवियर दर्द होगा, खाना खाने में, पानी पीने में काफ़ी पेन होगा,
इसमें सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा, मुंह में लार बहुत ज़्यादा बन रही होगी, मुंह से स्मेल आ रही होगी, बैड ब्रेथ देखने को मिलेगी, लिम्फ नोड्स जो होते हैं गले के जो लिम्फ नोड्स उसमें सूजन देखने को मिलेगी, और रात में आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस कंडीशन में मर्क सॉल्ट आप लीजिए 30 में, उसको 15-15 मिनट पर आप रिपीट करिए दो घंटे के लिए, उसके बाद आप सुबह दोपहर शाम कर दीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलका। दोस्तों फाइटोलका भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है टॉन्सिलाइटिस के लिए। इसका जो इंडिकेशन होता है, जब आप टॉन्सिल्स को देखेंगे तो टॉन्सिल काफ़ी इन्फ्लेम्ड रहेंगे और ब्लूइश रेडिश कलर के दिखेंगे, डार्क कलर के आपको टॉन्सिल विजुलाइज होंगे। टॉन्सिल में काफ़ी पेन होता है, ये जो दर्द होता है ये रेडिएट करता है, कान तक रेडिएट करता है, और गले में काफ़ी पेन होगा, टॉन्सिल्स में काफ़ी पेन होगा। इसके साथ ही साथ जो टंग का जो रूट होता है बैक साइड ऑफ टंग में, जवान में आपको दर्द होगा, इसमें लंप, गले में आपको लंप जैसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा गले में कुछ फंसा हुआ है, आपको बार बार होर्सनेस बहुत ज़्यादा महसूस होगी, और गले में आपको गर्म गर्म बहुत महसूस होगा, गले को आप जब छुएंगे तो हॉट टू टच होगा, गर्म खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर आपको मिल रही है तो फाइटोलका आप लीजिए 30 में, इसकी दो दो बूंद 15-15 मिनट पे आप रिपीट करिए दो घंटे तक, और फिर नेक्स्ट डे से आप इसको सुबह दोपहर शाम रात लीजिए 15 दिन के लिए, डेफिनेटली आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है हेपरसब। जब दोस्तों आपको टॉन्सिल्स में पस फॉर्मेशन हो जाए, उसमें सुपरेशन हो जाए, वाइट कलर का येलोस कलर का आपको डिस्चार्ज देखने को मिले, इसके साथ टॉन्सिल्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो, तो उस कंडीशन में आप हेपरसब लीजिए 30 की, हेपरसल 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आप रिपीट करिए 15 दिन के लिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्केरिया कार। दोस्तों क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की कैल्केरिया कार वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। इसका जो सिम्टम होता है कि पेशेंट को ठंड के एक्सपोजर की वजह से टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हमेशा हो जाती है, जब जब ठंड लगती है तब तब टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरीके की कंडीशन आपको हो रही है, तो आप कैल्केरिया कार 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन के लीजिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बराटा का। दोस्तों बराटा का एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो टॉन्सिल्स होते हैं काफ़ी इन्फ्लेम्ड रहेंगे और रेडिश कलर के रहेंगे, जो टॉन्सिल्स का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो गए हो, और ठंड के एक्सपोजर की वजह से आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही, लंप जैसा महसूस होता हो, होर्सनेस हमेशा बनी रहती हो, सोर थ्रोट आपको हमेशा बना रहता हो, और जब जब ठंड पड़ती हो तो ठंड के एक्सपोजर की वजह से आपको सिम्टम्स एग्रवेट करते हो, तो उस कंडीशन में आप बराटा का 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम 15 दिन के लिए लीजिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इन मेडिसिन को आप यूज़ करें अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।